सब्सक्राइब करें ट्रेंडिंग भारत यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग भारत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम घर पे बैठे बैठे एक DIY प्रोजेक्ट करेंगे पबजी ट्रिगर्स का। ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ 20 रुपये लगेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि जो मार्केट में जो ट्रिगर्स आते हैं वो 250 से लेके 400-500 और जैसे जैसे उनकी क्वालिटी अच्छी होती है 2000-1000 तक के भी आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कैसे आपको पबजी ट्रिगर्स बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। तो गाइज, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए होगा, हमको जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी आइसक्रीम स्टिक्स। जो आइसक्रीम स्टिक्स है ये 5 रुपये का बंडल मिल जाता है। ठीक है, तो इसके जो 5 रुपये हो गए, फेविक्विक चाहिए होगा, फेविक्विक चाहिए होगा हमें, इसके भी 5 रुपये हो गए। एक हमें जो कॉपर वायर रहता है, यानी कि जो ये जो वायर है, ये वायर मैंने कहाँ से निकाला, अपना इलेक्ट्रिक वो जो वायर रहता है पतला वाला, उसमें से ये मैंने कॉपर वायर निकाला है। ठीक है, उसके बाद जो एक और चीज़ चाहिए होगी वो हमें ये जो क्लिप रहती है जो लड़के लोग बालों में लगाती है वो चाहिए होगी। उसमें से है ना, मैंने इसका जो ये इतना सा एक मेटल का जो पीस है वो निकाल दिया है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अभी आपको आगे हमको ना दो ही आइसक्रीम स्टिक्स लेने हैं, ये 2-2 इंच के हैं, 2 इंच का है, तो इसको हमें स्टिच मतलब जो फेविक्विक है, फेविक्विक से हमें इसको जोड़ देना है। जोड़ने जैसे आप जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, आपको एकदम ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको ये जो स्टिक्स है ये इसके ऐसे पीछे लगा देने हैं, ये इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको ना जो फेविक्विक की जो हेल्प से है ना आपको ऐसे है ना चिपका देने का है। ठीक है, चिपकाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ऐसे लगेगा, और जिसका हम लोग को क्या करना है ना, एक इंच का और अपना ये आइसक्रीम स्टिक का आपको लकड़ी लेना है और इसको भी है ना हमें यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो पूरा ग्लू करने के बाद बस हमको इतना ही काम है ग्लू करने का। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। ये जो पीछे की ये जो 2 आइसक्रीम स्टिक्स देख रहे हो ना आप, ये हमारे जो फ़ोन होगा, फ़ोन के बैक को सपोर्ट करने के लिए काम आएगा, और ये जो एक वाला है ये जो है ये हमारे स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो अभी जो सबसे इसका मेन काम चालू होता है वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये जो हमें वायर लेना है, ये जो वायर है दिख रहा होगा आपको, ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर को ना हमें यहाँ पे मैंने एक स्क्रू लिया है, बहुत छोटा सा स्क्रू है यहाँ पे, ये जो स्क्रू है ना ये आपको मैं इसका जो यूज़ है वो आपको आगे बताऊँगा, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं, ये आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक यूँ ही देखते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारी जो एक स्टील की जो थी, इसको हमने क्या किया है ना, इसको ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा ब्लेड से थोड़ा घिस लिया, जिससे ऊपर इसके ऊपर का जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन था ये हट चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा शेप देना है ऐसे कि ताकि है ना ये यहाँ पे थोड़ा बैठ जाए। ठीक है, और ये कुछ ऐसा लुक देगा आपको, ये ना आपको थोड़ा ऐसा एकदम जैसे आप सुन रहे होगे ना एकदम क्लिकी जो फील रहता है ना वो देगा आपको। ठीक है, तो अभी है ना इसको जो ग्लू कर देंगे हम, ग्लू करने के लिए ना इसका जो एक पोर्शन है इतना से एक आइसक्रीम स्टिक का ये पोर्शन लेंगे, और जो है ना इसको इसके ऊपर यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, ऐसे इसको कुछ इस तरह से है ना इसको यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये ग्लो हो जाए और ये ऐसे काम करें। ठीक है, तो ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये जो हमारा ये जो पिन थी इसको है ना मैंने इसके बीच में डाल के इसको जो फेविक्विक है फेविक्विक की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको ग्लू कर दिया है। और यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा ग्लू मैं और डाल देता हूँ ताकि ये अच्छे से एकदम अंदर तक फिट हो जाए। ठीक है, बस हमें बस इतना ही ग्लू की ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे भी। तो बस गाइज, इसका इतना ही काम था। अभी हम है ना इसको थोड़ा देर सूखने देते हैं, और जैसे ये सूखता है उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो ठीक है गाइज, जैसे कि ये सूख चुका है अभी। ठीक है, तो अभी आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये मैंने क्यों यूज़ किया है और ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो इसका ये जो
ये वायर है, इसको मैं यहाँ से इसको घुमा के यहाँ पे लेके आऊंगा नीचे, ठीक है। और जो ये रहेगा ना, ये हमारा ऐसे क्लिक करके देख रहे हो ना, आप सुन रहे होगे, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे साउंड करेगा, और दूसरी बात हमको एक टेक्टाइल जो फील रहता है ना बटन का, वो देगा, ठीक है। तो बस अभी क्या करना है हमें, ये जो वायर है इसको लेना है, इसको लेके है ना, इसको हमें है ना इसके बीच से ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अभी मैं घुमा देता हूँ उसको ऐसे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पे भी यूज़फुल लगेगी ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको काम ये कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये नट था, इसको है ना इसके यहाँ पे मैंने इसको ऐसे गोल गोल करके यहाँ से, अभी देखिए यहाँ से मैं है ना इसको नीचे लेके आऊँगा, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। इसको आप लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको ठीक ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है। जो बचेगा ना आपका वायर, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। अभी हमें सबसे क्या काम करना है ना, जो हमारी ये जो है जिसको हम फॉइल पेपर बोलते हैं, फॉइल पेपर का एक छोटा सा पीस लेना है, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लेने का है। फॉइल पेपर का हमने बस एक देखिए इतना सा हम लोगों ने पीस लिया, एक फॉइल पेपर का, ठीक है। वो फॉइल पेपर के जो पीस है उसको हमने एक बार ऐसे बीच से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। और अभी फिर ये जो हमारा जो आगे जो स्क्रीन के ऊपर लगेगा वो वाली साइड हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लगाना है ताकि ये एकदम ठीक तरह से लगा रहे हैं। और ये हमें लगाना कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोगों ने वो वायर फोल्ड किया था, ये सही ठीक उसी जगह पे लगाना है, ठीक है। तो बस ये एक टाइप से ना आपको अभी बोल रहा हूँ ये रेडी हो गया, फिर भी हमें ना इसके ऊपर थोड़ा कुछ टेपिंग वेपिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ये पूरा निकल जाएगा। तो अभी काम कैसे करता है, काम कैसे करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि जो टच करते हैं हम स्क्रीन पे, उसके लिए है ना एक कांटेक्ट चाहिए रहता है स्क्रीन को, जैसे कि वो मतलब उसको फील हो कि हाँ, मतलब एक हमारी जो उंगली रहती है ना उसमें इलेक्ट्रोड टाइप का कुछ रहता है, तो उससे जैसे हम टच करते हैं ना, तो एक कनेक्शन सर्किट जो रहता है ना, सर्किट पूरा हो जाता है। तो अभी क्या होगा, जैसे कि ये फॉइल पेपर है, ये मेटल का पीस है, और ये जो हम लोगों ने वायर लगा ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो जैसे हम यहाँ पे जो हमारी उंगली है ये इसको ऐसे टच करेगी ऐसे, तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा और हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर टच करेगा वो, तो उससे वो फायर करेगा, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा हमारे यहाँ पे और इसको टेपिंग कर देता हूँ। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं करना, खाली आपको एक ही टेप से, मतलब जो एक लेयर रहता है टेप का, उतना ही यूज़ करना है। अभी रुकिए, आपको मैं वीडियो में अभी बता देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये टेप लिया है मैंने, अभी इसको टेप को ना मैं यहाँ पे इसको ऐसे लगा देता हूँ, और ये लग गया है। बस ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस एक छोटा सा लेयर लेना है टेप का हमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये जो एक टेप लेता हूँ मैं, एक छोटा सा लेयर ले लेता हूँ मैं टेप का वापस से, और उसको मैं जो अपना ऊपर जो वायर है इसके यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि वो जो वायर है वो निकले नहीं, डैमेज ना हो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इसका जो बाकी का हिस्सा है इसको मैं अंदर ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अब हमारा जो पबजी ट्रिगर है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी जो टेस्टिंग की वीडियो है, अगर वो चाहते हो कि मैं इसको टेस्ट करके बताऊं कैसा है कैसा नहीं है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता सकता हूं, आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें टेस्ट करके नहीं बताऊंगा, या फिर मैं मेरा जो चैनल है इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें इसको आपको टेस्ट करके बताऊँगा। अगर आपको कुछ ऐसी और DIY टाइप के प्रोजेक्ट चाहिए तो आप बताइए, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है। अगर आपको किसी और तरह का वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।